तो कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन लेडीज एंड जेंटलमैन बॉस एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शानिस। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप इसको एक्सरसाइज को या कुछ भी को, लॉकडाउन में मेरे पास सिर्फ ये डंबल है और इसी से आपका भाई एक्सरसाइज कर रहा है पूरे लॉकडाउन में। यही एक्सरसाइज है मेरी, इसी को ही करते करते बातें करेंगे। कह रहे मिनाठी की नई वीडियो आई, ये सारी वीडियो का पिछला पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। रीजन ये है कि इसके नई वीडियो का जो कॉन्टेंट है, और नई वीडियो जो है वो म्यूजिक में आई है। बेसिकली नई वीडियो जो है वो एक सॉन्ग है, तो इसीलिए वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी और इसने छोटे से कॉन्टेंट में सारा कॉन्टेंट दे दिया। ऑल राइट, मुझे लग रहा है अब कैरी मिनाटी इस तरह की फील देता रहेगा। बेसिकली इसने जो लास्ट म्यूजिक वाला सॉन्ग्स फेंका है, मुझे लग रहा है ये रोस्टिंग के साथ साथ तरह का म्यूजिक थीम बनाता रहे। और कैरी ने एंड में भी बोल दिया है नए प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है, हो सकता है नई वीडियो भी आए इसकी। ओके, इट्स माई ओपिनियन, मुझे लगता है कैरी को जिम के ऊपर भी कुछ वीडियोज बनानी चाहिए, फिटनेस यू नो। बेसिकली आप इसको बॉडी पंप कह दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ऑल लाइट, वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका है, अब रात को थोड़ी सी रनिंग करेंगे। बहुत टाइम हो गया रनिंग भी नहीं करी है, बस रनिंग करके अपना दिल बहला लेंगे जब तक जिम नहीं खुलता। ऑल लाइट, वन लास्ट चीज, आपका भाई सुबह ही सुबह हद में होकर आया है। गर्मी बहुत थी, बहुत पसीना बह गया है और बहुत ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, बट वीकेंड था तो कोशिश करी हद में जाए और थोड़ा सा आउटिंग कर आ जाए। आई थिंक ये हैशटैग इंडिया का चल रहा है तो इंडिया में ज्यादा नजर आएगी वाली वीडियो, बट आई थिंक ये वीडियो ज्यादा इंडिया में भी देखी जाएगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां मैं सुबह होकर आया हूं वो थर्ड पाकिस्तानी लार्जेस्ट डैम है, हब डैम। आई थिंक हर किसी को अच्छी लगती है इस तरह की एडवेंचर वाली चीजें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा वो डैम के ऊपर आएगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे ये ज्यादा वीडियो इंडिया में देखी जाएगी, तो इसलिए उन लोगों को बता दूं ये हब डैम है, ये पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट डैम है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। लोगों ने अभी तक वीडियो देख रहे हो और नीचे सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज नीड सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। ऑल लाइट, वीडियो के एंड में अगर टाइम बच रहा है तो आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। ये तो जगह है हमारी गुलिस्तान जौहर, दुनिया का पहला परफ्यूम चौक आप लोगों ने सुना होगा, तो वो इसी रोड पर है, दुनिया का पहला परफ्यूम चौक। तो सोचा आप लोगों को बता दूँ जाते जाते।